एक ही स्थान दोबारा से हम लोग ले लिए बिना माथे पे। और देखिए इधर मुन्ना के पहले आगे था, अभी के पीछे हो गया है। ये देखते हैं पीछे के अभी आ रहा है। एक ही स्थान दोनों गाड़ी की हम लोग लोड करनी है बिना से। ये देखते हैं गाड़ी रहा, और इधर मुन्ना लोड कर लिया पूरा, हम भी लोड कर लिया। अब निकलते हैं फटाफट हम लोग घर की ओर, और फिर दोबारा आना पड़ेगा। दोस्तों मैं गिदारी इधर के ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। सब तो अभी सुबह का 8 बज रहे हैं, और दोस्तों अभी जा रहे हैं अपना खेत, क्योंकि आज से धान कटनी शुरू हो चुका है। और एक दोस्तों अभी कुछ दूर में आ चुके हैं, अब यहीं से कुछ देर और जाना है खेत। अभी मुन्ना चल गया पहले, और चलते हैं अभी फटाफट। ऐसे गाड़ी निकाल ली है अपना, और चलते हैं। धान कट चुका है, जाके बीड़ा भी लाना है, सभी करना है, फिर गाड़ी लोड करना है। अब फिर दोस्तों यहाँ से निकलते हैं फिर घर की ओर, फिर वहाँ खाली वाला रखना है। चलिए दोस्तों निकलते फटाफट, और दिखाते हैं आप लोग को खेत हमारा कहाँ पे है। और ये देखिए दोस्तों, इधर से जाना है खेत तरफ, यही रास्ता है हम लोग का। और देखिए मुन्ना पहले पहुँच गया खेत तरफ, यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा दूर यहाँ पे है, इधर जाना है। और ये किस्तों चार तरफ इधर का खेत, क्या कहते धान पका हुआ भी नहीं इधर, और देखिए उधर पर पक चुका है बहुत, अभी कच्चा है, अभी कुछ दिन और लगेगा पकने में। चलते दोस्तों अपना खेत चलते फटाफट, और दिखाते हैं आप लोग को कि किस तरह धान पका हुआ है। ये देखिए यहाँ का धान अभी कच्चा भी है, और देखिए उधर का पक गया है। चलिए फटाफट निकलते इधर से, गाड़ी को आप खड़ा कर दिए दोस्तों। ये देखते हैं, ये रहा हमारी गाड़ी और ये रहा मुन्ना गाड़ी। अब चलते हैं यहाँ से पैदल, क्योंकि गाड़ी इधर जाती नहीं है, इसलिए पैदल चलना पड़ेगा। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा, इस पर भी कुछ टाइम अभी लगेगा। इधर भी देखिए पर पका हुआ भी नहीं इधर। चलिए यहाँ से पैदल कुछ देर जाना पड़ेगा, तो आगे वहीं पर धान कट रहा है, फिर वहाँ से दोस्तों तो माथा पे लाना पड़ेगा धान, क्योंकि अगर वहाँ से गाड़ी आती थी इसीलिए माथा पर ढोके यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ले जाएंगे गाड़ी से। और ये देखिए सामने खेत, देखिए इसमें देखिए झोरा का तसरा हो गया पूरा खेत में। चलिए दोस्त निकलते हैं फटाफट, खेत अपना पहुँच गया दोस्तों। और देखते अभी धान देखिए आधा खेत भी कटा हुआ हुआ है, और देखिए अभी आधा बाकी है, और उसके साथ 40 सौ काट रही धान। देखते हैं खेत में देखिए तीन कटनी है, और देखिए इधर चलिए फटाफट बिला को निकालते हैं ऊपर और ले आते हैं ऊपर तरफ। और ये देखिए बड़ा चलता का खेत, तो धान के पूरा पका हुआ भी नहीं है, पूरा हरा भरा है एकदम, पानी देखिए पूरा दबा हुआ है। चलिए तो प्रॉपर निकालते हैं उसके बीड़ा को। हम लोग भी दोस्तों इतना सा बीड़ा ऊपर कर लिए हैं, ये देखते यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी और अभी लाना अभी बाकी है, अभी पाँच बीड़ा के लाए हैं, पाँच को हम लाए हैं, पाँच को मुन्ना लाया है। ये देखते हैं मुन्ना के जा रहे आगे के, ये देखिए आगे निकल गया। चलिए और आते हैं, अभी सुबह सुबह टाइम में इसलिए थोड़ा सा बीड़ा जो है वजनदार थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सिर से जो पूरा भिंजा हुआ है इसलिए थोड़ा वजन ज़्यादा है। चलिए और थोड़ा आते हैं, कम से कम 10 मिनट आना है, तो कि एक बार में 10 बजे जाएगा अपने गाड़ी में। चलिए फटाफट चलते हैं और आते हैं जाके। और एक ही स्थान दोबारा से हम लोग ले लिए बिना माथे पे। और देखिए इधर मुन्ना के पहले आगे था, अभी के पीछे हो गया है। ये देखते हैं पीछे के अभी आ रहा है। अब चलते हैं देखते हैं कितना देर में फिर ले जाते हैं हम लोग ना मुन्ना। चलिए एक ही स्थान दोनों गाड़ी की हम लोग लोड करनी है बिना से। ये देखते हैं गाड़ी रहा, और इधर मुन्ना लोड कर लिया पूरा, हम भी लोड कर लिया। अब निकलते हैं फटाफट हम लोग घर की ओर, और फिर दोबारा आना पड़ेगा हम लोग को। चलो ठीक है ना, चलेगा आपने। चलिए अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। अब चलिए दोस्तों धान का बीड़ा पूरा लेकर के और पूरा खिलहार में रख दिए हैं। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सब लोग, तब तक के लिए बाय बाय।